डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी एवं कच्चे तेल की कीमतों में कमी का असर भारतीय बाजार पर दिखा। लगातार चार दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 187 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स बढ़त के साथ 34,204 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 34,301 अंक के दिन के उच्चतम तक पहुंचा। शाम को सेंसेक्स में तेजी से गिरावट देखी गई और सेंसेक्स 33,726 अंक के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अंतिम आधे घंटे में सेंसेक्स ने तेजी से रिकवरी की और यह 187 अंकों की बढ़त के साथ 34,034 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियां तेजी में और 13 में गिरावट रही। भारतीय एयरटेल के शेयरों में सर्वाधिक 10.79%, एशियन पेंट्स में 4.49%, इंडसइंड बैंक में 3.21% की तेजी रही, जबकि यस बैंक में 4.52%, बजाज ऑटो में 4.30%, अदानी पोर्ट्स में 1.40% की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में कुल 2,716 कंपनियों के शेयरों को में कारोबार हुआ, जिनमें 1,203 कंपनियों के शेयरों में गिरावट और 1,363 में तेजी रही, जबकि 150 कंपनियों के शेयर दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद अपरिवर्तित बंद हुए। बीएसई का मिड कैप 131 अंक की तेजी में 13,966 अंक पर और स्मॉल कैप 1,015 अंक की बढ़त में 13,738 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी का ग्राफ भी सेंसेक्स की तरह रहा, यह बढ़त के साथ 10,278 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान 10,291 अंक दिन के उच्चतम और 10,127 अंक दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। बाद में कल की तुलना में 78 अंकों की उछाल के साथ 10,225 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 31 कंपनियां तेजी में और 19 गिरावट में रही। यूरोपीय बाजारों में ब्रिटेन का FTSE 0.878 और जर्मनी का डैक्स 0.78% की तेजी में रहा। एशियाई बाजारों में चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.33 और जापान के निक्की में 0.37% की तेजी रही, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.40 और हांगकांग के हैशेंग में 0.38% की गिरावट दर्ज की गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।